गुजरे जमाने की ग्रेटेस्ट बिल्डिंग्स कहाँ ठहरती हैं 21st सेंचुरी में। आज हम दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतिहास के कुछ वंडर्स को टेस्ट करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस दुनिया के फेमस स्ट्रक्चर्स की कई सेंचुरी से छानबीन कर रहे हैं, फिर भी वो उनके सारे सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट ने तैयार की है एक नई हैरत भरी लेजर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी इन स्ट्रक्चर्स की इतनी गहराई से जांच करती है जो ह्यूमन आई कभी नहीं कर सकती। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पहली बार इंजीनियरिंग वर्ल्ड के कुछ सबसे पुरानी मिस्ट्रीज को अब समझा जा सकता है। इस बार टाइम स्कैनर्स में हम जा रहे हैं रोम के कोलोसियम में। किसी ने तो अपना दिमाग लगाया होगा ना इसमें। हम इस अरीना के सीक्रेट को रिवील करेंगे जहां कभी स्पेक्टेकुलर रोमन गेम्स होती थी। अगर वो इन चीजों को सीक्रेट रखना चाहते थे तो उन्हें काफी मुश्किल हुई होगी। और उस इंजीनियरिंग को भी एक्सप्लोर करेंगे जिसकी वजह से रोमन्स हजारों सीटों वाली स्टेडियम पर रूफ बना सके। मुझे लगता है मैंने पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे एंशिएंट वर्ल्ड के इंजीनियर्स आखिर कितने माहिर थे। हजार साल पहले ये हिस्टोरिकल शहर दुनिया का जाना माना शहर था। रोमन एम्पायर का स्केल, एम्बिशन और उसकी ब्रूटालिटी का आइकॉन इस शानदार कोलोसियम के अलावा और क्या हो सकता है। रोम इटली की कैपिटल और दुनिया की पहली सुपर पावर का घर, द रोमन एम्पायर। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहीं से शुरू हुई। एंशिएंट वर्ल्ड में यही था पावर का एक बड़ा सेंटर। इसके बीचों बीच एक माइटी सिंबल है, एक विशाल ओवल स्टोन स्ट्रक्चर जिसके लैटिन निकनेम का मतलब है कोलोसल। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में बनाया गया था, जीसस की मौत के करीब 50 साल बाद। कोलोसियम रोमन वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर था। इसके 80 एंट्रेंसेस हैं और ये एक 12 स्टोरी बिल्डिंग जितना है। ये उस वक्त का सबसे एम्बिशियस स्ट्रक्चर था। इतने सालों में साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने यहां बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है, लेकिन आज पहली बार हम इसे एक बिल्कुल नए तरीके से देखने वाले हैं। साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज की वजह से हमारे पास एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है जिसकी मदद से हम इन स्ट्रक्चर्स को बारीकी से समझ सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि इन ढांचों के अंदर झांक कर गहराई से जांच कर सकता है। मोबाइल लेजर स्कैनर। इस मशीन से लाइट की नैरो पल्सेस निकलती हैं, जिनसे बेमिसाल एक्यूरेसी के साथ इन ढांचों का मैप बनाया जा सकता है। इस छोटे से बॉक्स ने जैसे हमारे एक्सपर्ट्स को वर्चुअल सुपर पावर्स दे दी हैं। ये करीब 1 बिलियन मेजरमेंट्स लेकर पॉइंट क्लाउड नामक एक इमेज तैयार करता है। इन बिल्डिंग्स को एक 3D पर्सपेक्टिव देता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए 10 लाख टन के इन स्ट्रक्चर्स को उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये प्रिसाइज मेजरमेंट्स के साथ साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी भी देता है, ताकि समय में पीछे जाया जा सके और बीते वक्त के सीक्रेट्स को रिवील किया जा सके। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद है इस डेटा का इंटरप्रिटेशन, और हम इसे देखेंगे दुनिया के सबसे जाने माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नजरों से, स्टीव बरोस। मॉडर्न बिल्डिंग वर्ल्ड के एक्सपर्ट स्टीव ने कई आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए हैं, जैसे बेजिंग का बेमिसाल बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम, म्यूनिक का आलियांज अरीना और मैनचेस्टर का एटिहाद स्टेडियम। स्टीव एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन पर एक लेजर स्कैनिंग टीम को लीड कर रहे हैं ताकि एंशिएंट बिल्डर्स के हुनर को जान सकें। स्टीव करीब 20 सालों से स्टेडियम्स डिजाइन कर रहे हैं, और कोलोसियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उनके दिल के काफी करीब है। सच कहूं तो कोलोसियम में मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं 20 सालों से स्टेडियम्स डिजाइन कर रहा हूं और उन्हें बना रहा हूं। स्टेडियम्स मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। मुझे उनमें जाना पसंद है, उन्हें डिजाइन करना पसंद है। स्पोर्ट के लिए बिल्डिंग्स बनाने का आइडिया मुझे एक्साइट करता है, और ये है 2000 साल पुरानी बिल्डिंग जो स्पोर्ट के लिए बनी थी। इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, पर जानना चाहते हैं। इस मिशन में स्टीव की मदद करेंगे दुनिया के बेस्ट रिसर्च सेंटर्स में से एक, केटी साइमन, एडम बार्न्स और रेचल ओपिट्स,
जो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसॉ के सेंटर फॉर एडवांस्ड स्पेशल टेक्नोलॉजीज से हैं। स्टीव की टीम अब इनिशियल डेटा जमा कर रही है। इनका प्लान है बिल्डिंग के अंदर झांकना और इसके इंजीनियरिंग सीक्रेट्स को रिवील करना, और इसके लिए स्टीव को लेजर स्कैन्स की दुनिया में जाना होगा। ये है टेक हेडक्वार्टर्स। ये एक ऐसी जगह है जहां स्टीव को मिलेगा कॉलोसियम का ओवरव्यू। वो एक स्कैनिंग स्ट्रेटजी तैयार करना चाहते हैं। वाह, क्या बात है, इसमें सब कुछ दिख रहा है। स्टीव तीन की सवालों का जवाब चाहते हैं। सबसे पहले वो कॉलोसियम की एक सबसे पुरानी मिस्ट्री को सुलझाना चाहते हैं, आखिर इसकी रूफ कैसे बनी। दूसरा सवाल, क्या होगा जब कॉलोसियम को अल्टीमेट स्टेडियम टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, एक इवैक्यूएशन ड्रिल। और आखिर में किस तरह रोमन्स लायंस को अरीना के बीचों बीच ला पाए। हम अपनी टीम और टेक्नोलॉजी के जरिए रिवील करेंगे कॉलोसियम के कुछ गहरे राज। शानदार, बिल्कुल, ये बहुत शानदार है। अगर आपका स्टेडियम 2000 साल तक टिका रहे तो आपको कैसा लगे? मतलब मैं इमेजिन भी नहीं आपका कर स्टेडियम शायद रोमन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, पर देखिए ना क्या जलवा है इसका, वाकई कमाल का ही है। 500 सालों से कॉलोसियम दुनिया का सबसे शानदार एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ होते थे कुछ बहुत ही स्पेक्टेक्युलर शोज। ये बहुत ही बड़े स्केल पे बना कोई ब्रॉडवे था, लेकिन यहाँ कोई नकली खून नहीं बहता था, ना ही कोई स्पेशल इफेक्ट्स होता था, बल्कि यहाँ असली खून बहाया जाता था। यहाँ ऐसे शोज होते थे जिनमें जानवर एक दूसरे को मार डालते थे, कई बार तो ऐसा होता था कि जानवर इंसानों को भी मार देते थे, और ये देख के लोगों को मजा आता था। ये स्पेक्टेक्युलर शोज स्टेडियम के बीचों बीच रेत से ढके हुए एक वुडन स्टेज पर होते थे, और ये करीब एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। कॉलोसियम के ओरिजिनल वुडन स्टेज फ्लोर का कोई हिस्सा आज नहीं बचा है, पर वो हैरत भरे गेम्स आखिर यहाँ कैसे होते होंगे, इसका सीक्रेट छिपा है सरफेस के नीचे। रोमन्स ने बैक स्टेज एरिया के बजाय अंडर स्टेज एरिया का इस्तेमाल किया, और वो इसे हाइपोजियम कहते थे। इस शब्द के मायने हैं अंडरग्राउंड। वुडन स्टेज के नीचे टनल्स का एक नेटवर्क था जिसके जरिए रोमन्स बेमिसाल स्टेज प्रोडक्शंस पेश करते थे। लेकिन आज 21st सेंचुरी में कॉलोसियम के हाइपोजियम की मिस्ट्री को सुलझाना मुश्किल काम है। इतने सालों में हाइपोजियम को अर्थक्वेक्स ने तबाह कर दिया। इसके अलावा कई सेंचुरीज तक इसे निग्लेक्ट किया गया था, इसलिए अब यहाँ वो कंप्लीट एविडेंस नहीं है जिनके जरिए स्टीव जान पाते कि वो गेम्स कैसे होते थे। अगर हम इनकी मिस्ट्री को सुलझाना चाहते हैं तो हमें रोमन एम्पायर की गहराई से जांच करनी होगी। रोम से 240 किलोमीटर दूर है पोज़ुओली नामक टाउन। शायद यहाँ के हाइपोजियम में स्टीव को कुछ जवाब मिल सकते हैं। पोज़ुओली कभी एक ह्यूज ट्रेडिंग पोर्ट था जिसने इसे रोम के बाद इटली की एक इम्पोर्टेंट सिटी बना दिया, और इसलिए यहाँ भी एक स्पेक्टैक्युलर एम्फीथिएटर बनाया गया था। हमारे लिए खास बात यह है कि इसे भी तकरीबन कॉलोसियम के टाइम पर ही बनाया गया था, और हैरत की बात यह है कि यहाँ का हाइपोजियम अच्छी कंडीशन में है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ हमें कॉलोसियम के मिसिंग पीसेस मिल जाएंगे जिन्हें आपस में जोड़कर हम एक थ्योरी तैयार कर पाएंगे और उसके डिजाइन को समझ पाएंगे। स्कैनर्स ने काम शुरू कर दिया है। उन्हें इतने स्कैन्स करने हैं जिनसे इस हाइपोजियम का एक 3D मॉडल तैयार हो जाए। हमें उम्मीद है कि हम इन स्कैन्स से समझ पाएंगे कि रोमन्स कैसे इतने स्पेक्टैक्युलर गेम्स होस्ट करते थे। टीम को स्कैनिंग रिजल्ट्स आने का इंतजार है, और इस बीच हम देखेंगे अंडरग्राउंड की पहली झलक। ओह माय गॉड, ये तो परफेक्ट कंडीशन में है। इस एम्फीथिएटर के नीचे टनल्स और ट्रैप डोर्स का एक जाल है, सभी बेहतरीन कंडीशन में हैं। कभी इन चेंबर्स में सैकड़ों केज्ड लायंस और एंशियस ग्लैडिएटर्स रहते थे। वो स्टेज मैनेजमेंट की अल्टीमेट एक्सरसाइज होती थी, और इस बिल्डिंग का डिजाइन किसी भी मॉडर्न स्टेडियम से टक्कर ले सकता है। मुझे हमेशा से
डर लगा रहा है कि रोमन्स हमारे आज के स्टेडियम से कहीं बेहतर स्टेडियम बनाते होंगे और हाइपोडियम में आकर तो ये डर हाँ, और भी पक्का हो जाता है, क्योंकि हम इस तरह के स्टेज एरिया का सपना ही देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम सीटिंग के नीचे तंग सा एरिया बनाते हैं या सेमी बेसमेंट या स्मॉल एरियाज बनाते हैं, पर इन्होंने तो इसे कितने बड़े स्केल पर बनाया है। ये लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट रहे होंगे। आपको जलन हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल हो रही है। करीब 2000 साल पहले ग्लैडिएटर्स, एनिमल्स और ह्यूज स्टेज सेट्स स्टेज पर कहीं से भी सामने आकर लोगों को हैरत में डाल सकते थे। स्टीव इस हाइपोजियम से पता लगाना चाहते हैं कि रोमन्स ने ये इफेक्ट कैसे तैयार किया। परफॉर्मेंस नीचे होते होंगे और देखने वाले ऊपर सीट्स पर, तो उन्हें पता होता होगा कि चीजें फ्लोर से ऊपर आएंगी। ये उन्होंने कैसे किया होगा? हाइपोजियम को देखकर आप इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकते। ये रोमन इंजीनियरिंग की एक बेमिसाल ऊंचाई है। इसका हर पार्ट अभी तक सही सलामत है। हम इस हाइपोजियम की स्कैनिंग करके और इसे कोलोसियम पर अप्लाई करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे लिए चैलेंज ये नहीं है कि हमें इस जगह का स्कैन लेना है। असल में ये एक बड़े जिग्सॉ पजल की तरह है, जिसके सारे पीसेस को हमें बाद में एक साथ जमाना है। हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी और डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं कि रोमन इंजीनियर्स ने ऐसा कैसे किया, और डेटा आना शुरू हो गया है। अब टीम को इन्हें आपस में स्टिच करना है और एक कंप्लीट 3D मॉडल तैयार करना है। स्कैनिंग अब भी चल रही है और मैं मिलने जा रहा हूं आर्कियोलॉजिस्ट डारियस आर्या से, ये जानने के लिए कि हाइपोजियम में शो से पहले क्या होता होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर शो से पहले क्या होता था? शो के पहले बहुत सारी तैयारियां होती थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता था। यहाँ वुल्फ्स होते थे, पैंथर्स होते थे, लेपर्ड्स, लायंस और टाइगर्स सब होते थे, और इनको संभालना जैसे नामुमकिन होता था। और इन जानवरों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे हजारों ग्लैडिएटर्स, जो अपनी बारी का इंतजार करते थे। रोमन गेम्स की एक आइकॉनिक इमेज है कई डजन हंग्री लायंस स्टेज पर छोड़ देना, ताकि वो स्लेव्स और क्रिमिनल्स पर हमला करें और जनता का एंटरटेनमेंट हो। लेकिन रोमन्स 200 किलो वजनी लायंस ऊपर स्टेज पर कैसे लाते थे? टीम पोजियोली के एम्फीथिएटर के नीचे के एरिया को स्कैन कर रही है, ताकि ये समझ पाए कि कॉलिजियम के शोज इतने अमेजिंग कैसे होते थे। शुरुआती फाइंडिंग से स्टीव को कुछ क्लूज मिलने शुरू हो गए हैं। ओके स्टीव, ये इमेजिन करिए कि मैं एक फिरोशियस, हंग्री और थोड़ा परेशान सा लायन हूं, तो आप मुझे यहां से ऊपर कैसे लेकर जाएंगे? मेरे हिसाब से काउंटरवेट से। मैंने देखा है यहां, यहां पर ये देखिए, ये होल्स बने हैं। यहां दो होल्स हैं और ये वाला ब्लॉक कर दिया गया है, और ये वाला तो सीधा ऊपर तक जाता है। हां, मैं देख सकता हूँ यहाँ से, आप एकदम ऊपर तक देख सकते हैं। ये मेज़नाइन फ्लोर से लेकर ऊपर तक भी जाता है। तो ये एक तरह से सैश विंडो की तरह है। हाँ। जैसे हमारे घरों में सैश विंडोज होती हैं, रस्सियों पर लीड वेट्स लगाते हैं और ऊपर पुलीज लगा दी जाती हैं। हाँ। जिससे भारी विंडोज को उठाना इजी हो जाता है ना? रोमन्स कैसे एनिमल्स को ऊपर स्टेज पर ले जाते होंगे, इसे समझने के लिए ये नैरो शाफ्ट्स एक इम्पोर्टेंट क्लू बन सकते हैं। स्कैंड डेटा से हम ये समझ सकते हैं कि रोमन्स वो स्पेशल इफेक्ट्स कैसे करते थे। इसलिए अब हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढने टेक हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, क्या बात है! वाकई खूबसूरत है, और सबसे अमेजिंग है इसका स्केल। हाँ। स्टेडियम में एक भी सीट लगाए जाने से पहले उन्होंने इसे बनाया होगा। स्कैंस में हमें हाइपोजियम में कंसेंट्रिक रिंग्स, टनल्स और चेम्बर्स का एक जाल नजर आया। हमें उम्मीद है कि 3D पॉइंट क्लाउड के जरिए हम स्टेज के नीचे चल रही ट्रिक्स को समझ पाएंगे। रोमन्स एक वाइल्ड एनिमल को स्टेज पर कैसे लाते होंगे? यहाँ हमें एक रिंग नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो एरिया है, यहीं से केज्ड एनिमल्स को लिफ्ट करके फ्लोर पर पहुंचाया जाता था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोमन्स ने अरीना फ्लोर के नीचे एक कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग सिस्टम छिपा रखा था। स्कैंस को जूम करके हम एक ट्रैप डोर के नीचे देख रहे हैं, पर स्टीव तय नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर उनका ध्यान दो शाफ्ट होल्स पर चला गया है। कभी इनमें लकड़ी की लॉन्ग बीम्स रही होंगी, जो हाइपोजियम के फ्लोर से ऊपर अरीना तक जाती होंगी।
एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ये बीन जमीन से ऊपर क्राउड प्रोटेक्टिव नेटिंग का काम करती होंगी। हालांकि स्टीव का मानना है कि इनसे ही एनिमल्स को ऊपर अरीना तक ले जाया जाता होगा। इन होल्स का ड्यूअल पर्पस रहा होगा। रोमन इंजीनियरिंग में कई चीजों का हमने ड्यूअल यूज देखा है, इसका भी था। लकड़ी के ये बीम जो फ्लोर के ऊपर थे, इन पर नेट लगी रहती थी और यही लिफ्टिंग सिस्टम का एक हिस्सा भी थे। वो पुली सिस्टम का हिस्सा भी थे। लोग रस्सियों को नीचे खींचते थे और बॉक्स ऊपर फ्लोर पर चला जाता था। तो इस तरह ये ड्यूअल यूज सिस्टम था। ये एक एंशियंट लिफ्टिंग सिस्टम था जिसमें पुलीज और काउंटरवेट्स की एक सीरीज थी जो एक साथ काम करके केजिस को नीचे किसी भी ट्रैपडोर से ऊपर ले जाती थी। और इस तरह वाइल्ड एनिमल्स किसी भी पल स्टेज के डिफरेंट पार्ट्स पर नजर आ जाते थे। ये डिजाइन परफेक्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन आइडियाज को ले सकते हैं और इसी डेटा को हम कॉलोसियम पर अप्लाई कर सकते हैं। हमारी लेजर स्कैनिंग्स ने रोमन के इस शानदार एम्फीथिएटर के सीक्रेट्स को रिवील कर दिया है। इन शोज में सिर्फ बिग कैट्स ही नजर नहीं आती थी, रोमन्स यहाँ तरह तरह के एनिमल्स लाते थे, राइनो से लेकर एलिफेंट्स तक, और साथ ही ह्यूज स्टेज सीनरी भी। लेकिन उन्होंने ये सब कैसे किया होगा? वाओ, ये तो कमाल का है। ये हाइपोजियम का मेन पार्ट है। मैं सेंट्रल स्पाइन में हूँ जो स्टेडियम के बीचों बीच से गुजरती है। आप देख सकते हैं कि कई सालों तक यूज होने की वजह से यहाँ होने वाले हर इवेंट का मार्क इन वॉल्स पर मौजूद है। इससे उन्हें स्टेज प्रेजेंटेशन के हर तरह के ऑप्शंस मिले होंगे। और मैं यहाँ समझने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस तरह की इंजीनियरिंग इन्वॉल्व रही होगी। स्टीव की टीम अब इस सेंट्रल एरिया को स्कैन कर रही है ताकि ब्रिक्स और मोर्टर के इस ढांचे को एक 3D कंप्यूटर इमेज में बदला जा सके और वॉल्स पर बनी मार्किंग्स को डिकोड किया जा सके। यहाँ टेक हेडक्वार्टर्स में स्टीव को उम्मीद है कि लेजर स्कैनिंग वो दिखाएगी जो उनकी आंखें नहीं देख पाई। यहाँ दो पैरेलल वॉल्स हैं और इन वॉल्स पर तरह तरह के फिंगरप्रिंट क्लूज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे वो हाइपोजियम फ्लोर से चीजों को ऊपर उठाते होंगे और स्टेज फ्लोर पर ले जाते होंगे। आप वॉल को जूम करें तो वो एरियाज दिखेंगे जहाँ होल्स एक रैंप पैटर्न में नजर आते हैं। पॉइंट क्लाउड डेटा ने स्टीव को एक खास तरह का पैटर्न दिखाया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस जोन में एक रैंप बना है। मेरे हिसाब से ये वो एरिया है जहाँ एनिमल्स या ग्लैडिएटर आते होंगे और इस रैंप से उन्हें ऊपर फ्लोर पर ले जाया जाता होगा। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि रोमन्स ने इन शोज में रैंप्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन स्टीव ये जानना चाहते हैं कि वो रैंप्स आखिर कहाँ थे। उनका मानना है कि ये रैंप्स इतने बड़े थे कि ह्यूज प्रॉप्स यहाँ तक कि चैरियट्स भी स्टेज पर ले जाए जाते थे। उन्होंने ये कैसे किया होगा? इसे पीछे सरकाया जाता होगा और चैरियट या हॉर्सेस को रैंप और फ्लोर पर ले जाया जाता होगा। जरा सोचिए ये कैसा होता होगा। आप एरिना में हैं और अचानक कुछ हॉर्सेस और एक चैरियट एरिना के बीचों बीच नजर आने लगा है। लेकिन स्कैन्स में एक और चीज है जिस पर स्टीव की नजर टिक गई है। हमारे लेजर्स को एक टनल दिखी है जो हाइपोजियम से दूर जा रही है और ये टनल दूसरी टनल से ज्यादा लंबी है। ओह माय गॉड, मैंने तो ये देखा ही नहीं था। ये कितनी बड़ी है। ये तो बहुत ही शानदार है, देखिए तो सही। वाह। स्टीव उस टनल को करीब से देखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कहां जाती है और रोमन्स इसका क्या इस्तेमाल करते थे। ये पीछे बहुत अंदर की तरफ जा रही है। हमने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने इतनी इनॉर्मस लॉन्ग टनल्स बनाई होंगी। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। इसे किसी पर्पस से तो बनाया गया होगा। ये तो अंदर चली जा रही है, शायद फ्लोर से करीब 100 मीटर दूर जा रही है। अगर वो चीजों को सीक्रेट रखना चाहते होंगे तो काफी दिक्कत हुई होगी। तो इस टनल का मकसद क्या था? स्टीव किसी क्लू की तलाश में अंदर तक एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसके दो लेवल्स होंगे। मुझे नहीं पता कि हम कहां पर हैं, पर मुझे ऊपर ट्रीज नजर आ रहे हैं। ये टूटा हिस्सा नहीं है, इसे ऐसे ही बनाया गया है। स्टीव को लगता है कि रोमन्स ने इस ओपनिंग को खास तौर पर कार्व करवाया था। टनल इतनी लंबी है कि अगर स्टीव इसके दूसरे सिरे को ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें जमीन के ऊपर से उसे फॉलो करना होगा।
हम यहाँ से इसे ट्रेस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये डेफिनेटली स्टेडियम से बाहर जा रही है। मेरे ख्याल में सड़क पर जाकर हमें इसे ट्रैक करना पड़ेगा। लगता है वो टनल इस एली से गुजर रही है। हम स्टेडियम के पीछे की तरफ हैं, जहां से लोग अपनी सीट की तरफ जाते होंगे। अगर यहां कुछ किया जाता होगा तो वो सीक्रेटली ही किया जाता होगा। हम एक डेड एंड पर पहुंच गए हैं, तो ये एक सीक्रेट टनल है, जैसे कि एक लोडिंग डॉक होता है। ये 2000 साल पुरानी है। हम इसलिए इसे नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक शहर बस चुका है। एम्फीथिएटर के पीछे स्टीव को वो ओपनिंग दिखी जो उन्हें टनल में से नजर आई थी। ओ, तो ये है वो। हाँ, यहाँ है। तो ये है वो जगह जहां से टनल में से मैंने वो ट्रीज देखे थे। ये एक एक्सेस शाफ्ट है जो हमें इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाती है, हाइपोजियम के बेस तक। पर इस एक्सेस शाफ्ट का मकसद क्या था? हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा स्कैन डेटा इस मिस्ट्री को रिवील कर पाएगा। हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि बिल्डिंग के फेस से कितनी दूर तक वो शाफ्ट जा रही है। इसके जरिए कुछ चीजों को उन लोगों से दूर ले जाया जाता होगा जो इस शो को देखने के लिए आते होंगे। पर रोमन्स क्या छिपाना चाहते थे? आप समझ सकते हैं कि कोलोसियम में क्या होता होगा। जानवर मरते थे, इंसान मरते थे। हाँ, इंसान भी मरते थे। हाँ, इंसान भी मरते थे। स्टीव मानते हैं कि इस ओपनिंग से ही उन्हें इस टनल को बनाने का मकसद पता चल जाएगा। आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो है, इसका साइज है करीब 8 फीट लॉन्ग और 2.5 फीट वाइड। और इसका जो शेप है, अगर उसे देखें तो वो कॉफिन की तरह है। रियली? हिस्टोरियंस अब भी नहीं जानते कि इस टनल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, लेकिन डेटा से पता चलता है कि ये होल बिल्कुल उसी साइज और शेप का है जिसमें से एक बॉडी को निकाला जा सके। इससे स्टीव ने ये नतीजा निकाला कि ये टनल मरे हुए लोगों को सीक्रेटली निकालने के लिए बनाई गई थी ताकि देखने वालों को पता ना चले। एलिवेटर सिस्टम्स और रैम्प्स का एक कॉम्प्लेक्स जिनके जरिए न सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स बल्कि चैरियट्स भी स्टेज पर आ जाते थे। एक इंजीनियरिंग सीक्रेसी जिसका इस्तेमाल शो के दौरान डेड बॉडीज को बाहर ले जाने में होता होगा। हमारे स्कैन्स ने रोमन स्टेज के नीचे कमाल की इंजीनियरिंग पॉसिबिलिटीज को दर्शाया है। रोमन्स के टाइम स्टेडियम में किसी भी शो से पहले उनका अरेंजमेंट ब्रिलियंट रहा होगा और इसीलिए रोमन्स के लिए मेरी रेस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। पोज़ियोली के हाइपोजियम से स्टीव को रोमन गेम्स के बारे में कुछ बेमिसाल थ्योरीज पता चली। इस नई इंफॉर्मेशन के साथ अब वो वापस रोम जाने के लिए बेताब हैं ताकि कोलोसियम की इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकें। हम कोलोसियम को एक ओपन एयर वेन्यू की तरह मानते रहे हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेक्टेटर हैं, खास तौर पर समर सीजन में, तो आपको दिक्कत आती ही होगी क्योंकि रोम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और हमें एविडेंस मिला है जिससे हमें पता चला कि आर्किटेक्ट्स ने इसके बारे में सोचा और एक रूफ बना दी। कोलोसियम की रूफ कवरिंग किस तरह लगाई गई होगी, एक्सपर्ट्स सालों से इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। मैं रोमन एम्फीथिएटर स्पेशलिस्ट डेविड बॉमगार्डनर से मिल रहा हूं, हमें मिले एविडेंस के बारे में और जानने के लिए। इसमें एक ऑनिंग थी। हमारे पास कौन सा ऐसा एविडेंस है जिससे पता चलता है कि वहां एक ऑनिंग थी? हमारे पास कॉइंस है जिनमें कोलोसियम के चारों तरफ पोस्ट दिखाए गए हैं। कॉइन्स में कोलोसियम के टॉप रिम पर वर्टिकल मास्ट्स की एक सीरीज दिखाई गई है। डेविड के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मास्ट्स एक ऑनिंग सिस्टम का पार्ट है। उस जमाने का रिटन एविडेंस दिखाता है कि इस ऑनिंग को ऑपरेट करने के लिए सेलर्स को रखा गया था। माइसिनम के रॉयल नेवी सेलर्स का एक डिटैचमेंट था जिसे रोम में तैनात कर दिया गया था ताकि वो ऑनिंग को चलाए, पर कैसे ये हमें नहीं पता। रूफ सिस्टम के काम करने के तरीके के इम्पोर्टेंट क्लूज पॉम्पे के एम्फीथिएटर के फर्स्ट सेंचुरी डिपिक्शन में मिलते हैं। क्या आपको स्पेक्टेटर्स के ऊपर किसी तरह की ऑनिंग नजर आई जिनमें कोई खास किस्म के पैटर्न्स होते थे और सेल्स के सेक्शंस दिखते थे जो असल में एक मास्टिंग सिस्टम से अटैच होते हैं और वर्टिकल होने की बजाय हॉरिजॉन्टल होते हैं? इस पिक्टोरियल और रिटन एविडेंस की वजह से ये समझा जाता है कि मटेरियल के लार्ज पीसेस लकड़ी के टुकड़े के सहारे अरीना के बीचों बीच एक्सटेंड किए गए थे।
इस तरह वो एक रिट्रैक्टेबल ओवल ऑनिंग बनाते थे जिससे स्टेडियम में सबको छाया मिलती थी और जिन्हें सेलर्स ऑपरेट करते थे। हालांकि ये बस एक थ्योरी है, पर एक्सपर्ट्स अब भी ये नहीं समझ पाए हैं कि हकीकत में ऐसा कैसे हुआ होगा। पर अब स्टीव की स्ट्रक्चरल नॉलेज और हमारी न्यू टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन के जरिए हम इस थ्योरी को एक नए तरीके से एनालाइज करेंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस जमाने के मटेरियल के जरिए यानी वुड, रोप और मैन पावर से स्टेडियम में मौजूद लोगों को धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया होगा। ये जानने के लिए कि कोलोसियम रूफ की ट्रेडिशनल थ्योरीज फिजिक्स के लॉस पर खरी उतरी हैं या नहीं, स्टीव इस आइकॉनिक बिल्डिंग को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, वो भी ऊंचाई से। वाह, क्या व्यू है! क्या कमाल का व्यू है! अगर आप एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव चाहते हैं और आप उस चीज को समझना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऊपर से नीचे देखिए। आइए रोम को देखिए आसमान से। आज भी रोम में इस शहर के ग्लोरियस पास्ट की निशानियां मौजूद हैं, चाहे वो वंड्रस पैंथियन हो या फिर रोम का एंशिएंट कमर्शियल सेंटर द फोरम, और शहर के बीचों बीच द माइटी कोलोसियम। हम यहां कोलोसियम की रूफ का रिमेनिंग एविडेंस ढूंढने आए हैं। ये जो स्टोन्स हैं, ये उन होल्स की सीध में हैं। इसका मतलब इनमें पोल्स को लगाया जाता था। हमारा हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के एकदम ऊपर था और हम स्टेडियम के पैरामीटर पर होल्स देख पा रहे थे। ऊपर आने के बाद चाहे वो डोर ओपनिंग हो या फिर विंडो के ऊपर हो, वॉल में भी एक ओपनिंग है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये कितना लोड लेती होगी। मेरे हिसाब से लार्ज लैटरल लोड इन पर नहीं टिकता होगा। कोलोसियम के एरियल स्कैन्स को देखकर स्टीव उन होल्स के साइज का सही अंदाजा लगा सकते हैं जिनमें वो वुडन मास्क लगाए जाते थे। वो करीब 38 से 42 सेंटीमीटर चौड़े थे। अब स्टीव को मास्क की मैक्सिमम विड्थ पता है। ये पता लगाने के लिए कि मास्ट पर किस तरह की रूफ टिक सकती है और कोलोसियम के सेलर्स को किस तरह की फोर्सेस का सामना करना पड़ता होगा, उसके लिए हमें जमीन पर उतरकर समंदर में जाना होगा। स्टीव को लगता है कि मास्ट की उतनी ही विड्थ वाली इस यॉट से उन्हें क्लूज मिलेंगे। बोट्स पर सेल्स को रस्सियों से किनारों पर लगाया जाता है और विंच से कस दिया जाता है। इन विंचेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली खींचा जा सकता है ताकि सेल को लिफ्ट और स्ट्रेस किया जा सके। किसी भी बोट पर सेल ऊंचाई पर जाता है, पर कोलोसियम में सेल हॉरिजॉन्टली अक्रॉस जाता होगा। हमारे पास ये बड़ा कैनवस है और हमारे पास ये विंच है, तो क्यों ना देखा जाए कि उन्होंने ये कैसे किया होगा। तो शुरू करते हैं। ओके, रेडी? हमें ये समझना होगा और ध्यान रखना होगा कि हालांकि ये पोस्ट उतनी ही बड़ी है जितनी कि कोलोसियम की रूफ, और ये मेटल से बनी है इसलिए ज्यादा स्ट्रांग होगी। और देखा जाए तो ये एक रिट्रैक्टेबल रूफ है और इस पर विंड का असर भी मेरे हिसाब से काफी पड़ रहा है। कोलोसियम में भी यही हाल रहा होगा। जैसे ही रूफ फैलाई जाती होगी, सेल लगाया जाता होगा, तो उस पर हवा का फोर्स भी बहुत होता होगा। अभी तो आधा ही हुआ है डेलस। सच में? तुम्हारे हिसाब से कितने लोगों को इससे शेड मिलती होगी? ज्यादा नहीं, बहुत कम लोगों को। यानी लगभग 70,000 या फिर उससे कम? मुझे लगता है इससे कम। किसी रस्सी में जो फोर्सेस, जो फ्रिक्शन होती है, उसके मुताबिक बड़ी तादाद में लोग लगते होंगे। और एक मैसिव विंच जो एक ऐसी छत को फैलाता होगा, तो इमेजिन कीजिए कि एक सेल में कितनी फोर्स लगती होगी। स्टीव की कैलकुलेशंस के मुताबिक एक मास्ट 500 स्क्वायर फीट सेल को संभाल सकता है, यानी करीब 45 स्क्वायर मीटर्स। तो रोमन्स ने कोलोसियम में मौजूद पूरी ऑडियंस को सेल से कवर करने के लिए क्या किया होगा? 70,000 स्पेक्टेटर्स पर छत कैसे आती होगी? हमें उम्मीद है कि हमारी यूनिक लेजर स्कैनिंग से हमें इसका जवाब मिल सकता है। ये है रोम का ओलंपिक स्टेडियम, एक मॉडर्न स्टेडियम जिसमें उतनी ही ऑडियंस आ सकती है जितनी कोलोसियम में। स्टीव इसके जरिए ये जानना चाहते हैं कि पूरे कोलोसियम को रूफ से कवर करने के लिए रोमन्स ने किन चैलेंजेस को फेस किया।
किसी मौजूदा स्टेडियम पर एक नई रूफ लगाना किस तरह का काम है, चलिए इसे एग्जामिन किया जाए। सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से उस रूफ लोड को ग्राउंड तक लाना होगा, और इसका तरीका है इनकी हेल्प लेना। ये हैं स्टील के ह्यूज कॉलम्स जो यहाँ पीछे की तरफ से सीधे ग्राउंड के बीच तक जाते हैं, वो भी एकदम ब्रांड न्यू फाउंडेशंस पर। जरा इनका साइज तो देखिए, करीब 8 फुट डायमीटर। दूसरी बात है फैब्रिक की, ये रूफ कवरिंग, इसका मतलब कोलोसियम पर छत सेल्स की तरह रही होगी जिसे ऊपर लगाया गया होगा। मटेरियल भी सेम ही रहा होगा, इससे लाइट भी आती रहती है और ये बहुत ही लाइट वेट भी है। पर देखिए कि फैब्रिक के लोड को कैरी करने के लिए क्या चाहिए। देखिए कि रूफ पर किस तरह का स्टील लगा है, इसे इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, पर मुझे नहीं लगता कि कोलोसियम पर कभी भी एक पूरी रूफ रही होगी। स्टीव को अब पूरा यकीन है कि कोलोसियम की रूफ में मौजूद होल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि किसी ऐसी चीज का वेट सहन कर पाए जो इतनी बड़ी ऑडियंस को छाया दे सकता है। इसके लिए आज की ओलंपिक स्टेडियम जैसी कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो आखिर रोमन्स ने क्या किया होगा? इसके जवाब के लिए हमें फिर से टेक हेडक्वार्टर्स में अपने स्कैन्स को देखना होगा। ग्राउंड और एयर से कलेक्टेड डेटा के जरिए स्टीव ने अपनी टीम को कोलोसियम का एक कंप्लीट 3D मॉडल तैयार करने को कहा, ताकि कई सदियों पुरानी इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट डेरियस आर्या इसमें हमारी मदद करेंगे। हमने ये जो डेटा कलेक्ट किया है कोलोसियम के ऊपर एरियल स्कैनिंग करके, उसे हमने एक सॉफ्टवेयर में डालकर उसका इस तरह से एनालिसिस किया कि उससे हम पूरे कोलोसियम को रिक्रिएट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से हम सन पाथ एनालाइज कर पाएंगे। इससे हम ये जान पाएंगे कि सेल को जब कोलोसियम के टॉप पर लगाया गया होगा तो उससे कितनी छाया आई होगी। देखा जाए तो कोलोसियम के टॉप पर जो होल्स हैं, उनका साइज मास्ट के साइज जितना ही है, और वो करीब 500 स्क्वायर फीट सेल को थाम सकते हैं। तो चलिए अब अंदाजा लगा के देखते हैं। लेकिन जब इस सजेस्टेड रोमन रूफ का एक सिंगल पीस कोलोसियम पर लगाया गया तो प्रॉब्लम पूरी तरह से साफ हो गई। हिस्टोरियंस जानते हैं कि रोमन सोसाइटी के सबसे कम दर्जे के लोग कोलोसियम के टॉप पर बैठते थे, लेकिन सेल से सिर्फ यही चीप सीट्स कवर हो पाई, जबकि नीचे बैठे इंपॉर्टेंट सेनेटर्स और एम्परर्स की सीट्स को छाया नहीं मिल पाई। स्टीव को उम्मीद है कि स्कैन से वो एक थ्योरी तैयार कर पाएंगे जो भरोसेमंद होगी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेल से स्टेडियम के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को शेड दिया जाता होगा। वो कहाँ बैठते होंगे? मुझे लगता है वो यहाँ रिम के बॉटम पे बैठते होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लोग जिन्हें शेड की जरूरत थी वो नीचे बैठते थे स्टेडियम के नॉर्दर्न साइड में एम्परर के पास। तो रोमन्स ने एक ऐसी रूफ कैसे बनाई होगी जिससे इन इम्पोर्टेंट लोगों को छाया मिल सके? हालांकि इससे जुड़े सभी एविडेंस खत्म हो गए हैं, पर स्टीव की स्ट्रक्चरल एक्सपर्टीज बताती है कि रूफ काफी नीचे रही होगी। यानी छत कोलोसियम में काफी नीचे की तरफ लगी होगी। जो अगली सिग्निफिकेंट रिंग है जिसे बहुत ही खास और स्पेशल तरीके से बनाया गया है वो थोड़ी ऊपर है। क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं कि किस एरिया के बारे में आप बात कर रहे हैं? तो यहाँ देखते हैं। हाँ, ये सही जगह है। वैसे ये डिस्टेंस उतनी ज्यादा तो नहीं है, हालांकि इसे ऊपर या नीचे करना हो तो दूर से किया जाएगा ताकि आप लोगों के पीछे हो और उन्हें नजर ना आए। इसका मतलब क्लॉथ नीचे था, मास्ट्स ऊंचाई पर, और दोनों को रस्सियां कनेक्ट करती थीं। अब मुझे समझ में आ गया कि सिस्टम कैसा रहा होगा। इन स्कैन से स्टीव ने एक नई थ्योरी डेवलप की है। वो मानते हैं कि ऑनिंग को जिन रोप्स ने पकड़ा था वही ऊपर मास्ट से भी कनेक्टेड थी, और वो इतनी नीचे थी कि अरीना के नॉर्दर्न साइड पर एक छोटी सी रिट्रैक्टेबल ऑनिंग बनाती थी। ऐसे रूफ सिस्टम से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को छाया मिलती होगी। इस पिक्चर में सिर्फ एक ही सेल है, और हो सकता है कि यहाँ और भी हो, या फिर उनकी शेप्स डिफरेंट हो। जाहिर है कि हम ऐसी 10 या 20 बना सकते हैं, और चाहे तो पूरे स्टेडियम पर लगा सकते हैं। मेरा मतलब अब सिस्टम किसी भी स्केल पर वायबल नजर आ रहा है। हमें पता है कि इस साइज की सेल्स को वो उठा सकते थे। टॉप के आसपास की ये पोस्ट आज भी वायबल हैं। इन पर रूफ स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है। एक्चुअल मटेरियल को नीचे एंकर करके छत तैयार की जा सकती है। मैं ये बात समझ चुका हूँ, लेकिन क्या हिस्टोरियंस ने इस सिस्टम के बारे में पहले बात की थी? क्या उन्होंने ऑनिंग को नीचे करने की बात कही थी?
या ये नई बात है? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही नया आइडिया है। मैंने इसे पहले कभी किसी पब्लिकेशन में नहीं देखा और इससे हमें काफी सवालों के जवाब मिल गए हैं। मुझे लगता है इसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बात अब पॉसिबल नजर आ रही है कि रोमन्स ने कोलोसियम में एक रिट्रैक्टेबल रूफ लगाई होगी। हमारे यूनिक लेजर डेटा और स्टीव की प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इनसाइट के कॉम्बिनेशन से हमने कोलोसियम की रूफ के बारे में एक नई थ्योरी डेवलप की है। अब स्टीव को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। आज के स्टेडियम्स के सामने ये बिल्डिंग कितना टिक पाती है? इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। स्टीव कोलोसियम को कंपेयर करेंगे अपनी मॉडर्न क्रिएशन बीजिंग के बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम से। ये होगा अल्टीमेट स्टेडियम टेस्ट। स्टीव यहाँ क्राउड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जहाँ कंप्यूटर से हजारों की भीड़ तैयार की जाती है। इन्हें एवटार्स कहते हैं। हर एवटार की अपनी इंटेलिजेंस होती है। प्रोग्रामिंग के जरिए एवटार्स कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हॉलीवुड मूवीज की एपिक बैटल्स में फाइटिंग या फिर स्टीव के काम में मदद, ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में लार्ज क्राउड्स किस तरह आ सकते हैं। आजकल इस सॉफ्टवेयर को स्टेडियम के अल्टीमेट लिटमस टेस्ट में यूज किया जाता है, यानी इवैक्यूएशन। ज्यादातर मॉडर्न स्टेडियम्स को जांचने के लिए ये देखा जाता है कि इमरजेंसी में वो कितनी जल्दी खाली होते हैं। क्या इस एक्सपेरिमेंट में कोलोसियम पास हो पाएगा? आज हमें पता चल जाएगा। स्टीव कोलोसियम और अपने बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम दोनों को इस कंप्यूटर प्रोग्राम से टेस्ट करेंगे। इंजीनियरिंग प्लानिंग का ये एक ट्रू टेस्ट है। क्या कोलोसियम बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम को मैच कर पाएगा? स्टीव जानते हैं कि कोलोसियम 21st सेंचुरी के एक स्टेडियम जैसा ही है, पर हम इसे स्टीव की मॉडर्न क्रिएशन यानी बीजिंग के बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम से कंपेयर करने वाले हैं। ये होगा अल्टीमेट स्टेडियम टेस्ट, यानी इवैक्यूएशन ड्रिल। टेक हेडक्वार्टर्स में हमारे पास एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजी है, जिससे 2000 सालों में पहली बार कोलोसियम को स्पेक्टेटर्स से भरा जाएगा। तो यहां हमने कोलोसियम का एक स्लाइस लिया है और इसे रिक्रिएट कर दिया है। हमने कोलोसियम का 1/8 पार्ट एक्यूरेटली रिक्रिएट किया है। इसमें ओरिजिनल सीटिंग बोल भी है और सीट्स के पीछे कॉरिडोर्स और स्टेयरवेज भी। हमने हर सिंगल स्टेप को रिक्रिएट किया है। देखा जाए तो ये इस स्लाइस में कोलोसियम के टॉप तक सब कुछ है, ताकि हम पूरी तरह समझ पाएं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ किस तरह सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता था। ऐसी ही 1/8 रिक्रिएशन हमने बीजिंग के बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम के साथ की। अब वक्त है स्टेडियम के दरवाजे खोलने का और वर्चुअल क्राउड को अंदर लाने का। ये लोग आ गए, सब आ रहे हैं। डिफरेंट ग्रेड्स के लोग हैं और इन्हें उस एंट्रेंस का कलर दिया गया है जिसमें से वो आए थे। हर इंसान एक अवतार है और उसमें डिसीजन लेने की एबिलिटी है, यानी इन्हें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया है। ये सच में शानदार है। कोलोसियम के स्पेक्टेटर्स को सोशल हायरार्की या सामाजिक हैसियत के मुताबिक अलग अलग कर दिया गया और उन्हें एक कलर दे दिया गया, जबकि बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम के स्पेक्टेटर्स मॉडर्न सीटिंग डिजाइन को दिखा रहे हैं। इनमें सब मिक्स्ड हैं। अब टाइम है टेस्ट शुरू करने का। हमें देखना है कि लास्ट इंटेलिजेंट एवटार दोनों स्टेडियम्स की एग्जिट बाउंड्री के पार कितने समय में पहुंचता है। वक्त है ये जानने का कि इवैक्यूएशन ड्रिल में कौन सा स्टेडियम बेस्ट है। चलो शुरू करो। अब हर सिंगल इंडिविजुअल बाहर जाने का फैसला कर रहा है। हर अवतार इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहा है कि वो कौन सा रूट ले। वो फास्टेस्ट पाथ की तलाश में है। ज्यादातर बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शंस का ये टेस्ट किया जाता है, पर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के मुकाबले रोमन डिजाइन कहाँ ठहरता है? 40 सेकंड्स हो चुके हैं और अगर हम बोल में वापस जाएं और देखें कि अब तक कितने लोग बोल से बाहर आ चुके हैं। कोलोसियम में टॉप पर कम एग्जिट्स हैं, इसलिए स्पेक्टेटर्स को बोल से बाहर निकलने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में एवटार्स ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। 2008 के ओलंपिक्स के लिए बना ये स्टेडियम अपनी एग्जिट स्ट्रेटजीज के लिए माना जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेडियम्स में से एक है। टेस्ट शुरू हुए 4 मिनट हो चुके हैं और बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम के स्पेक्टेटर्स बोल से आसानी से निकल रहे हैं, लेकिन कोलोसियम में अभी भी बाहर निकलने के लिए लाइन लगी है।
यहाँ पर भीड़ अटक गई है, देखिए यहाँ लॉक जैम है। इसलिए मेरा पहला सवाल है, क्या ये मॉडर्न स्टेडियम जितना अच्छा है? मेरे ख्याल में शायद ये नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं अपने स्टेडियम में ऐसी हालत नहीं देखना चाहूंगा। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में ऐसी कोई नौबत नहीं आ रही है। यहाँ सारे लोग एक ऑर्डर में निकल रहे हैं और हमें हर लेवल पर एक कंसिस्टेंट फ्लो नजर आ रहा है। टॉप के लोगों को नीचे जाने का रास्ता पहले ही मिल गया है और वो मिडिल टियर और बॉटम टियर के लोगों के साथ बाहर आ रहे हैं। अभी तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और सारे लोग अपनी सीट से जा चुके हैं। बर्ड्स नेस्ट की सीटिंग बोल सुपीरियर साबित हो रही है और कोलोसियम पिछड़ रहा है, पर अभी तो सिर्फ हाफ टेस्ट हुआ है। एक स्टेडियम तभी कामयाब होता है जब सीट्स के पीछे के कॉन्कोर्सेस भी क्लियर हो जाएं। और स्टीव ने नोटिस किया कि कोलोसियम यहां बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उन्हें लगता है कि इस मामले में कोलोसियम आगे निकल सकता है। देखो, क्राउड की जो डेंसिटी है वो कम होने लगी है। ये इसलिए है क्योंकि इसे ऐसा डिजाइन किया गया है। ये जो स्टेयर्स हैं वो इससे वाइडर हैं। तो उन्होंने जो किया है वो ये है कि जब अलग लेवल से लोग आते हैं तब यहाँ पर स्टेयर्स को वाइड किया गया है ताकि सब लोग बिना दिक्कत के निकल सकें। दोनों स्टेडियम्स के सीटिंग बोल से क्राउड निकल गया है, तो अब सीट्स के पीछे के स्टेयरकेसेस से लोगों को तेजी से बाहर निकलना होगा। और यहाँ मॉडर्न स्टेडियम का डिजाइन धीमा पड़ता नजर आ रहा है। देखो, यहाँ इस स्टेयरकेस पर अभी भी थोड़े लोग क्यू में हैं और यहाँ पर लोग अब तक कॉन्कोर्स लेवल पर हैं। दोनों स्टेडियम से लोग बाहर आ रहे हैं और कोलोसियम का क्राउड स्पीड पकड़ रहा है। मुकाबला काफी क्लोज है। देखो, मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है डैलस। दोनों स्टेडियम्स का ज्यादातर क्राउड निकल गया है। अब बाहर निकलने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। क्या आपको डर लग रहा है कि रोमन्स आपसे बेटर हो सकते हैं? डैलस, जब से मैं आया हूँ तब से मैं बहुत ही बरड हूँ। कोलोसियम के वाइड कॉन्कोर्सेस और मल्टीपल स्टेयरकेसेस की वजह से 10 मिनट के बाद दोनों ही स्टेडियम्स बराबरी के मुकाबले पर हैं। लगता है मुकाबला बहुत क्लोज होने वाला है, बहुत ही नजदीक होने वाला है। और अब सबसे आखिरी एवेटार दोनों स्टेडियम्स के पैरामीटर से बाहर निकल रहा है, इसलिए क्लॉक रोक कर अब ये देखना है कि कौन सा स्टेडियम आगे है। क्या कोलोसियम जीतेगा? चलिए टाइम देखते हैं। 12 minutes 44 seconds। हाँ। मैं ये नहीं कहना चाहता, मुझे अफसोस है स्टीव पर। और अब बर्ड्स नेस्ट की बारी। 12 minutes 57 seconds। ऐसा नहीं कर सकते, मुझे रीरन चाहिए, रीरन। इट्स नॉट फेयर। हैरत की बात है कि इवैक्यूएशन के अल्टीमेट स्टेडियम टेस्ट में कोलोसियम ने स्टीव के बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम को हरा दिया है। ये एनालिसिस देखकर मैं काफी एस्टोनिश्ड हूँ। कोलोसियम को देखकर सब कहते हैं कि वाकई ये एक ग्रेट स्टेडियम है। देखा जाए तो ये बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एक ग्रेट स्टेडियम है। तो रोमन इंजीनियर्स, वेल डन। मैंने रियलाइज किया है कि रोमन्स कमाल के इंजीनियर्स थे और उनके स्टेडियम जैसा स्टेडियम बनाकर मुझे वाकई बड़ा फख्र होता। कमाल की बात यह है कि लेजर स्कैनिंग और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज के कॉम्बिनेशन से हमें पता चला कि कोलोसियम एंशिएंट वर्ल्ड का ना सिर्फ एक अमेजिंग स्टेडियम है बल्कि ये मॉडर्न स्टेडियम के किसी भी स्टेडियम को टक्कर दे सकता है। एक बिल्कुल नई थ्योरी जो बताती है कि रोमन्स ने कैसे रिट्रैक्टेबल रूफ तैयार की। दूसरी तरफ एक स्टेज मैनेजमेंट सिस्टम जिससे माइंड ब्लोइंग शोज किए जाते होंगे और ये आज के किसी भी अरीना प्रोडक्शंस को चैलेंज कर सकता है। और साथ ही एक ऐसा एफिशिएंसी लेवल जो बिल्कुल एक मॉडर्न स्टेडियम एक्सपीरियंस जैसा है। हमने पता लगाया कि कोलोसियम ना सिर्फ रोमन वर्ल्ड का एक ग्रेट स्टेडियम था बल्कि आज 21st सेंचुरी में भी ये एक ग्रेट स्टेडियम है।